हेलो फ्रेंड्स, नियमित मोमेंट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए टेस्टी से हरे मिर्च की अचार की रेसिपी लेकर आए हैं। तो हम बता दें, पहले हमने इनके मसाले लिए हैं और साथ में मोटी हरी मिर्चें ली है। ये देखिए, हमने यहाँ 5 चम्मच मेथी दाना, ये 5 चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक और ये 5 चम्मच सौंफ के ले लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से पीस लेंगे। ये हम यहाँ पे 250 ग्राम जो मिर्च है उसका अचार डाल रहे हैं। ये हमने हरी मिर्च ले ली है और 2 नींबू ले लिए हैं, जो कि अचार डालने के बाद हम उसके ऊपर से इस नींबुओं को निचोड़ देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा अचार डालना। सबसे पहले हमने मिर्चों को अच्छे से धो लिया था और कॉटन क्लॉथ के साथ इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इन्हें तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम मिर्चों का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ये निकाल देंगे। ये हमने मिर्चों को तैयार कर लिया, अब हम इन्हें काट लेंगे। हम एक मिर्च में से 4 पीस बनाएंगे क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं, हम मिर्चों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से हम सारी मिर्चें कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने मसाले पीस कर तैयार कर लिए हैं और अब हम मिर्चें डालना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने मसाले पीस लिए थे और साथ में हमने यहाँ 4 नींबुओं का रस निकाल कर रख लिया है, जो कि हम मिर्च में अभी यूज़ करेंगे। ये हमने सारी तैयारी करके रख ली है और मसाले पीस लिए हैं और हमने यहाँ 3 से 4 नींबू का रस निकाल कर रख लिया है। अब हम ये मसाले मिर्चों में डालेंगे। अनुसार मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप नमक मिर्च खाते हैं। हम तेज मसाले के खाते हैं तो इसलिए हमने यहाँ मसाला थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इनमें। अब हम इस पे हमने हल्दी डाल दी है, मसाले डाल दिए। अगर मसाले बच जाते हैं तो हम इसे नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं आसानी से। ये हमने नमक मिर्च हल्दी डाल दी है, अब हम ये इस पे नींबू का रस भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे मसालों को और ऊपर से नींबू का रस डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारी मिर्चों पर मसाला आ गया है। अब हम इसे कंटेनर में फिल करके रख देंगे। हमने जो ये अचार डाला है इसमें हमने ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, ना ही हमने इसमें मसाले सेके हैं, फिर भी ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारा जो मिर्च का अचार है वह 3 से 4 दिन में खाने वाला हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार काफ़ी लंबे टाइम तक चले तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।